What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. All right, so ladies and gents, कल हम लोग एक राइड पे गए हुए थे एमबी वैली को. एक छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप है, देख लीजिए. यस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो. वीडियो बन गया है और जैसे आपने देखा 13 तारीख को आ जाएगा, वन डे बिफोर माय बर्थडे. यस, और हमारे सेकंड चैनल पे आएगा और इंस्टाग्राम पे एक और टीजर आने वाला है, मे बी आज ही. तो अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और हमारा सेकंड चैनल भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अगर वीडियोस पसंद आए तो कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करना. ओके, सो द वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज यूट्यूबर्स रिच लाइफस्टाइल एक्सपोज्ड Q&A by Slay Point. बहुत से लोग हम लोग को इसका व्लॉग्स का भी रिकमेंडेशन देते हैं, बट देन वी फील कि व्लॉग जो है ना वो इट इज मच बेटर टू कनेक्ट विद द क्रिएटर, और Q&A भी उसी के लिए रहता है. बट आई थिंक स्ले पॉइंट ने इसमें ऐसा कुछ किया है बिकॉज सो मेनी पीपल आर जस्ट कमेंटिंग कि ये वीडियो देखो, आप पागल हो जाओगे, हंस हंस के पागल हो जाओगे. आई थिंक इट विल बी लाइक द US व्लॉग, व्हिच वाज नॉट टेक्निकली अ व्लॉग, बट तो पता नहीं वैसा हो सकता है. एंड नोइंग स्ले पॉइंट कुछ ऐसा अलग ही डायरेक्शन में हमेशा वीडियोस रहते हैं. देयर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी डिफरेंट. सो या, द वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज यूट्यूबर्स रिच लाइफस्टाइल एक्सपोज्ड. वीडियो लोग बनाते हैं स्ले पॉइंट लाइफस्टाइल, वो वीडियो में वो लोग यूजुअली उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो दैट इज अ लाइफस्टाइल वीडियो, उसको बोलते हैं. मैंने बहुत लोगों का देखा हुआ है. ओके, सो द वीडियो इज न्यू, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द ओरिजिनल वीडियो, द लिंक इज गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो चेक इट आउट फर्स्ट. ऑलराइट, लेट्स स्नैप अ फिंगर, ब्रिंग द स्क्रीन, स्टार्ट. हे गाइस, तो हम फिर से 8 Q&A है तुम्हारे चैनल पर. तुमसे ज्यादा तो ज्यादा हमें मालूम होगा तुम्हारे बारे में. क्या पूछे क्या भाई? तो कैंसिल कर दे फिर. अरे नहीं, सही तो है. आजकल खुद के बारे में भी नई नई चीजें तुम लोग से ही पता चलती है. किसी ने बनाया है फैक्ट्स यू डोंट नो अबाउट स्लीप पॉइंट. इसके ओनर हैं एक लड़का और लड़की. लड़के का नाम है अभिषेक. अभिषेक. मेरा नाम कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है कि एबी के बाद जो भी मन करे लगा. अभिषेक, अभिमन्यु, अबू धाबी, अबलानारी. इनका भी नाम हार्ड है, पर इजी करने के लिए कोई सूजन वोकांडा या सूजन वोल्टास ऐसी तो नहीं बुलाता ना. इसीलिए ना कॉमन इजी नाम रखना चाहिए. जैसे लड़की का नाम है गालिया. 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 इसको देखते ही आपके मन में क्या आ रहा है? गालिया, वही रख देते हैं. अभिषेक की उम्र है 51. अपने माँ बाप से पहले पैदा हुआ. I think this is a troll video, obviously troll video. His age so nice. ऐसे facts तो I definitely didn't know भाई. और गालिया की उम्र है सिर्फ और सिर्फ 10 साल. और गालिया उनकी बेटी है, ये किसी को नहीं पता शायद ही, पर गालिया उनकी बेटी है. This is like next level troll. पिताश्री, तो जा जाके पानी लेके आ बाप के लिए. थग लाइफ. क्या बाप के पैर दबा. एक सेकेंड, माँ कौन है? मलिंगा. हमारे नाम पे दिखा देते हैं. जो ऑटो भी शेयरिंग ले, उनके पास प्राइवेट जेट्स. अबे बाथरूम तक प्राइवेट नहीं है हमारा. हफ्ते टाइम 10 बार खटखटा के फ्लो बिगाड़ देते घर वाले. सो गए क्या? मर गए क्या? मेरे बॉडी मेजरमेंट है अब यूट्यूब पे. व्हाट? वेस्ट नहीं और नीचे मेजर मत करो. अच्छा बाइसेप्स, ठीक है. मैंने दर्जी ने यूट्यूब चैनल तो नहीं खोल लिया? बाइसेप कम बता रहे हो वैसे भी. सो अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया है Q&A. क्या मनोरंजन किया? क्या कंटेंट? और के शादी में ऐसे ही नाचेगा स्पाइडरमैन? आपको ऑनलाइन क्लास बता के अंदर सटकेली मकड़ी डांस हो रहा है. अरे कंटेंट दो. व्हाट इज दिस? हाय हाय. ऐसी हालत तो क्रश के सामने होती है. 2 हफ्ते की प्रिपरेशन और निकला सिर्फ एक हाय बाय. कंटेंट दो. हाउ आर यू? मन कर रहा है मुंह पे गमला मार लूं. आप बताइए भाई, ये अंधेरी कैसे जाते हैं? रामदेव बाबा के हाथी पे. ओह व्हाट. मुंबई का निखिल की शादी कब होगी? मैं उनका केटरिंग वाला दिखता हूँ. बैंड वाली हूँ मैं, हमें क्या पता. किंडरगार्टन के जोकर बिनोद. बचा लो, बचा लो. लगता है ने क्या कि तुम्हारा खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस है.
वहाँ भी चीख दिया, जहाँ चीखता हूँ वहाँ कुछ खुल जाता है यार। उस दिन तो ऐसा चीख के गिरा पूरा अभ्युदय नगर पैदा हो गया। सर आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या? जुकाम भाई, आप कॉमर्स से यार और टॉपर भी। यू नो व्हाट आई थिंक, इन लोग का दिस इज लाइक अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग अ Q&A। उन लोग ने आई थिंक अपने सब्सक्राइबर्स से वीडियोस मंगे एंड दे आर आंसरिंग देयर। वेरी यूनिक वे, एक्चुअली लाइक दैट आईडिया, वेरी नाइस आईडिया। यो तो मेरे को अकाउंट्स पढ़ा दोगे प्लीज? अरे रुको यार, अभ्युदय एकेडमी जाओ पढ़ लो। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आपको एक हॉरर मूवी की स्टोरी लिखने का चांस दिया जाएगा तो आप कैसे स्टोरी लिखना पसंद करोगे? ऐसी स्टोरी जिसमें चुम्मा चाटी ना हो, ये सब देखते टाइम भूतों से नहीं पेरेंट्स से डर लगता है। दिस इज अलोन ऑनगोइंग होना है मुझे भी। वियर्डेस्ट फैन मोमेंट हुआ हुआ आपका? ऐसा बहुत होता है कि आपके तरफ बिल्कुल देखते हुए स्माइल करते हुए कोई चल के आए। इधर ही देख रहा है, लगता है सब्सक्राइबर है, शायद सेल्फी। भाई ये अंधेरी कैसे जाते हैं? नॉन फैन मोमेंट ही होते हैं सबसे एम्बैरेसिंग। जब आप अमेरिका गए थे तब आपको ऐसी वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज पसंद आई थी जो आप चाहते थे कि वो इंडिया में भी हो? व्लॉगिंग करने का फ्रीडम। यहाँ तो लॉकडाउन व्लॉग के लिए जैसे ही मॉल में कैमरा निकाला सिक्योरिटी वाले आ गए थे। हमने सोचा ठीक है, शक्ल से चोरी लगते हैं। नहीं, उन्होंने हमसे हमारा कैमरा मांगा और वहाँ पे शूट हुई हुई सारी क्लिप्स डिलीट करवा दी। जबकि वही साइड में लड़कियां इंस्टा स्टोरी पे स्टोरी बना रही है पूरे मॉल का, उनको कुछ नहीं। चलो ठीक है, रूल्स है। पर सल्यूट टू इंडियन व्लॉगर्स भाई, आप लोग क्या क्या झेलते हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या जॉब कर रहे हो या आप किस तरीके से अर्न कर रहे हो, तो आप क्या उन्हें बताते हो? अब जॉब का क्या प्लान है? आंटी मैं बस अभी यूट्यूब पे वीडियो ड्रग्स ड्रग्स करता ही है अब। व्हाट? बस ड्रग्स। हाँ oh because like right right rather, they, huh? rather do drugs than yeah YouTube. than doing youtube yeah i think in a way wo ek badhiya point cheda hai yeah. jo bhi youtube pe videos banate jo bhi creators i think unke maximum log ke ghar pe yahi story hai yes including us so i think this is a good point गरीबों के सामने शो ऑफ। पर इसमें आप कौन हो? कैमरामैन। हृदय सच में आरसीबी को सपोर्ट करता है कि सिर्फ कंटेंट है इसलिए करता है। अरे कंटेंट के लिए कोई भी खुद को 12 साल के लिए टॉर्चर नहीं कर रहा, और वैसे भी इस बार तो अच्छा खेल रही है। 2 days later बाहर हो गए। ये खरीद के बैठा था मैं, पैसे बर्बाद भाई। पैसे बर्बाद। ईस्टर एग था ये, ईस्टर एग। दांत से दाता मिला। सॉरी आपके मसूड़े मैच नहीं हो रहे, शादी कैंसिल। लोग लाइन मारते हैं ये दांत को। महिलाएं बैंक से बोल रहा हूँ, बोली किसी का क्लेम करनी है आपको? व्हाट? अच्छा हुई है। मिल गया, यही है वो। तो कैसा लग रहा है ट्रेंडिंग पेज पे आके? Please can you buy me an Apple MacBook Pro? Thank you. Please can you send 1 lakh rupees for the same? Thank you. तो तुमने खैनी खाना छोड़ दिया? छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। Nice, nice. तो वो बुलाते थे 20 रुपए वाला मेकअप आर्टिस्ट जिसका काम था बस मुंह पे 2 बाल्टी चूना। ओह माय गॉड, ऐसी आउटलाइन लगे मुक्के खा के आए नाच रहे। ओह दैट इज माय गॉड। वेरी क्विक से चिपकाया था, घर जाके उसको अलग डिटर्जेंट से छुड़ाओ। पनवाड़ी वाले बहुत एक्स्ट्रा भाई, अंदर से मर चुका था उस दिन। बॉय स्कूल में लड़की सॉरी भूतनी बनने से ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ नहीं है। सवाल है कि अब दोनों का रिश्ता कैसा है? गालिया उनकी बेटी है, ये किसी को नहीं पता, शायद ही किसी को पता होगा क्योंकि आज तक गालिया उनकी बेटी है। I think it's from that app, no? My biggest feel when Binod started being more popular than you guys. एक तो ये शुरू हुआ हीटिंग कमेंट्स वीडियो के 2 हफ्ते बाद, जो हमें समझ नहीं आया, शायद तुम लोग का इंटरनेट स्लो है पता नहीं, पर हमें लगा एक दिन का चीज है खत्म हो जाएगा। पर फिर इंस्टा FB ट्विटर बड़े बड़े कंपनीज के सोशल went viral, that shit went viral. जिससे ये ट्रेंड
ट्रेंड 2 हफ्ते चल गया भाई। हम आपस में हंस रहे थे कि जिस तरह का ट्रेंड था ना ये 2 दिन में डिजर्व नहीं करता था, बट ये इंटरनेट है, यहाँ सेंस उतना ही है जितना गौतमी के सर पे स्ट्रेट बाल। So after the Binod trend and the Netflix featuring you both, how is your reaction towards it? तो विनोद का से पहली बार 10 मिलियन व्यूज क्रॉस हुए, Netflix ने हमें नोटिस किया और हम वेरीफाई हो गए, तो मजा तो बहुत है। मजा आ गया। 4 साल मेहनत करो और वायरल क्या जाता है, विनोद। तुम लोग वीडियो बनाते हो या थोड़ा स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग ऐसा कुछ करते हो, 1-2 घंटा दिन में खेलते हो या पूरा टाइम वीडियो ही बनाते हो? आपको देख के लग रहा है बल्ले से मारोगे, हमने ना बोला। खेलता हूं फुटबॉल, फुल किट पहन के, फुटबॉल लेके, बैठ के उंगलियों की भी कर लेती। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हो? ये वाले से तो कतई नहीं भाई। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम वगैरह पर प्लीज फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पढ़े रहो बस, तुम ऐसे भी और करते क्या हो, लेट के देख रहे हो ये वीडियो है ना, उठो। नो डिस्क्राइब ईच उठने वाला था मैं। आलसी खुदकुल कौन मुकुल त्रिदुकुल फ्रेंड से छोड़ बाद में देख लेना। थैंक्स यार, तब तो समझ आया नहीं, अभी देखते हैं। ओके, दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ Q&A एंड एब्सोल्युटली लव द आइडिया। मे बी चोरी कर लेते हैं वो आइडिया फॉर आवर Q&A। सो एक्चुअली अक्षता का बर्थडे आ रहा था, सो वी वर प्लानिंग टू डू अ Q&A एट दैट टाइम एंड अ गिव अवे। एक्चुअली 150 पे करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, वी आर लेट, बट अभी कर देते कोई बात नहीं। सो ये टाइम एक्चुअली आइडिया दिमाग में ऐसा है कि लाइक वन इज लाइव यूट्यूब ऑन हर बर्थडे एंड ऑन हर बर्थडे ओनली इंस्टाग्राम पे भी। सो लाइक दोनों जगह, तो जो दोनों जगह पे है फॉलो कर रहे हैं वो आप दोनों दो टाइम भी आप जीत सकते हो, 3-4 टाइम भी जीत सकते हो। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द वीडियो? आई एम अमेज्ड एट हाउ इनोवेटिव दीज गाइज आर, बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट such Q&A that I have seen. Gives you an idea about what kind of different questions the subscribers have and also the innovative way in which they have, like they have answered it but not like directly. It is like a sleigh point touch to it. Yeah. Okay, mere ko bhi actually idea pasand aa gaya. I think it makes the video much more interactive. Yeah. Not interactive is not the word. It's more the interest. Engaging. Like it, I mean, you got your answer, but you still don't quite know what exactly they do. For me, it's like, you know, you're finally actually getting to see your subscribers. Like, you know, you guys see us every day, but we can't see you guys. So, okay, वैसे तो idea पसंद आ गया, but this time नहीं, maybe next time ऐसा कुछ try कर ही सकते हैं। लेकिन ये time we'll do a Q&A and want to meet you guys on her birthday, क्योंकि मेरे बर्थडे पे लाइव आए थे तो इसके बर्थडे पे भी लाइव आएंगे। All right, ladies and gents, so I think this will be it. All right, so thank you very much for making us a part of your day. I hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.